आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल को उनके कामों से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल कर दिए जहां अब मुफ्त और अच्छा इलाज होता है। उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं को बसों में बस फ्री सफर कर दिया, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब दोनों दिल्ली और पंजाब दोनों छंगे, हर महिला को हर महीने हजार हजार रुपए मिलेंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके केजरीवाल ने, हरियाणा के लाल ने। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हों? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हों, अस्पताल अच्छे किए हों? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री करी हो? ऐसे सब काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका लाल केजरीवाल, हरियाणा का लाल केजरीवाल। इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते। उन्होंने इनके काम को रोकने के लिए ही उनको फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। उनको वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं कि मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे पक्के से? अब तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए, पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी जीरो। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना
हजार हजार रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और पांचवी गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। इसके अलावा किसानों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों, मजदूरों, बुजुर्गों, हर वर्ग के विकास और खुशहाली के लिए बहुत प्लान बनाए हैं आपके केजरीवाल ने। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आप सबको उनका अपना घर ठीक करने की आपको जिम्मेदारी देनी है।